सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। समस्या चल रही थी, कोई भी समस्या पूरी नहीं हो रही, जहाँ पैसे फंसे हुए मैं आते नहीं। देखो ऐसा है कि आपकी कुंडली के अनुसार केतु आपके लगन में बैठा है। आप जल्दीबाजी में बेटा काम ज्यादा करते हो, बिना सोचे समझे काम करते हो, जो इस वजह से आपको नुकसान होता है जी। सोच समझ के काम करो, उसके लिए आपको आपकी कुंडली के अंदर थोड़ा ठहराव जरूरी है। देखिए, जब तक जीवन के अंदर ठहराव नहीं होगा, जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, जीवन में ठहराव बहुत जरूरी है। अब ठहराव वाला ग्रह आपकी कुंडली के अनुसार शनि है। शनि का एक नीलम होता है, 8.25 रत्ती का नीलम आप धारण कर लो मध्यमा उंगली में, उससे आपके जीवन में ठहराव आ जाएगा। साथ ही साथ एक मंत्र का जाप करा करो, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र का जाप आप डेली एक माला मंत्र का जाप करोगे तो जीवन में ठहराव होगा, जीवन अच्छा बीतेगा आपका। ठीक है, नीलम तो धारण कर रखा है मैंने। कितने रत्ती का? गोल्ड में तो नहीं पहना हुआ? गोल्ड में पहना हुआ है। गोल्ड में नहीं पहनना ना महाराज, गोल्ड और चांदी में रत्न अपना सही रिजल्ट नहीं देते हैं, हमेशा अष्ट धातु में पहने। मैं बार बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ कि जिसने भी रत्न गोल्ड में पहना है या चांदी में पहना है, उसे उतार के फेंको और दूसरा बनाओ, क्योंकि उसमें रत्न इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। ये रिसर्च किया है और रिसर्च में बताता रहता हूँ, बार बार बताता रहता हूँ। आपको नीलम पहनना है और अष्ट धातु में पहनना है, 8.25 रत्ती का पहनना है। और दूसरी चीज़ मेन क्या है, मेन इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा होती है कि सबसे जरूरी और अहम चीज़ है प्राण प्रतिष्ठा। ओम मनो ज्योति जुगता माँ जश बृहस्पति यज्ञ में तनो तरिष्ठम यज्ञ समीम ददा तु विश्व देवाशीय माध्यन तामो प्रतिष्ठा ओम सम सनिश्चराय नमः मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फटवा। किसी योग्य ब्राह्मण से बेटा जाके और 25,00,000 मंत्र का जाप कराने के बाद अगर आप इस रत्न को धारण करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अन्यथा बहुत से लोग क्या करते हैं, दूध दही घी सुनार से रत्न लेते हैं और उसको जो है दूध दही घी से शुद्ध कर लेते हैं, किसी भी समय पे पहन लेते हैं। वो ये नहीं जानते कि रत्न भी एक विज्ञान की तरह भांति काम करता है। यदि आप रत्न को सही समय पे पहनते हैं तो आपका जो समय, जो खराब समय चल रहा है, उसको बदलने में बहुत सहायक होते हैं और बहुत से ऐसे रिजल्ट हैं। और आपके सामने दाएं बाएं कोई ना कोई बताता ही होगा आपको, 50 में से एक व्यक्ति जरूर बताता होगा कि भाई मैंने ये रत्न पहना, इससे मुझे ये रिजल्ट मिला, मैंने मोती पहना मेरा मन शांत हो गया, मैंने पुखराज पहना मेरी शादी हो गई, मैंने मूंगा पहना तो मेरा ये हो गया। आप भी सुनते होंगे रत्नों के रिजल्ट। तो वो जब होता है जब आप उसको वैज्ञानिक ढंग से उसको आप धारण करेंगे, उसको परंपरागत जो उसकी विधि है उससे आप उसको प्राण प्रतिष्ठित करेंगे, तभी आपको रत्न अच्छा रिजल्ट देगा, अन्यथा आपको रिजल्ट नहीं देगा। बार बार कहता हूँ और इस बार भी कह रहा हूँ।